जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है आपके पास कंकैटिनेशन ऑपरेटर, कंकैटिनेट। कंकैटिनेट का मतलब ये होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में, दो वेरिएबल्स में जो डेटा पड़ा हुआ है उसके दरमियान में जो कोई आपके पास कोई डिस्टेंस आ रहा है, कोई फासला आ रहा है, जो आपके पास कोई ब्लैंक स्पेसेस आ रही हैं उसको कंकैटिनेट कर दो। अभी हम वो चीज करके भी देखते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो कि ये जो आपके पास ए वेरिएबल है और इसकी टाइप हमने कौन सी डिफाइन की है, स्ट्रिंग की टाइप डिफाइन की है। उस स्ट्रिंग की टाइप में हम डिफाइन कर रहे हैं पंजाब टेक्स्ट। ऐसे ही आपने एक बी वेरिएबल लिया है, ठीक है, उसमें आपने डिफाइन कर दिया बुक बोर्ड। तो यहाँ पे जरा गौर से देखो कि जब प्रिंट एफ ए डॉलर प्लस बी डॉलर किया है तो अगर मैं इसकी आउटपुट दिखाऊं तो जरा गौर से देखो टेक्स्ट और बुक के दरमियान में कोई भी स्पेस नहीं है, यानी कि टेक्स्ट और बुक के वर्ड को उन्होंने क्या कर दिया, आपस में अटैच कर दिया, आपस में मिलाकर उसको एक वर्ड बना दिया। तो जितने भी आपके पास ब्लैंक स्पेसेस हैं वो कंकेटिनेट की मदद से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, और जो दो वर्ड्स हैं आपके एक वर्ड में तब्दील हो गया है। अभी हम इसको करके देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए डॉलर इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिख दो हेलो 20 में आपके पास एक वेरिएबल है बी का, इसमें भी आप स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर दो, यहाँ पर आप स्टोर कर दो पाकिस्तान। 30 में आकर आप प्रिंट करवाओ प्रिंट ए डॉलर प्लस बी डॉलर एंड देन हम देखो यहाँ पे हुआ क्या कि एक डॉलर ये जो डॉलर का सिंबल है ये कौन सी टाइप को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्ट्रिंग की टाइप को डिफाइन करता है। जो ये बी डॉलर है ये किस टाइप को डिफाइन करेगा, आपके स्ट्रिंग की टाइप को डिफाइन करेगा। तो प्रिंट में क्या हो रहा है, ए स्ट्रिंग में कौन सी वैल्यू जा रही है हेलो और बी स्ट्रिंग में कौन सी वैल्यू जा रही है पाकिस्तान। तो ये जो आपके पास दरमियान में डिस्टेंस आएगा, फर्क आएगा, ये हम एक सेपरेटली करके भी चेक करते हैं। अगर मैं अभी इसको रन करूं, रन किया तो देखो हेलो और पाकिस्तान के दरमियान में कोई भी आपके सामने स्पेस नहीं आई। अगर मैं इसको कोशिश करूं कि अगर एडिट हो जाए लाइन नंबर 30 तो वहां पर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन एरर आ जाएगा जी। अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट में देखो जो मैंने एडिट की थी उसमें क्या चीज हुई है आपके दरमियान में, देखो हेलो और पाकिस्तान के दरमियान में आपके सामने स्पेस आ गई। तो कंकेटिनेट ने क्या की है, जो ये स्पेस आई थी इसको खत्म कर दी है। जब इसको आपने खत्म कर दिया है तो एक ही वो वर्ड बन गया जिस तरह ऊपर आपको शो भी कर रहा है हेलो पाकिस्तान। बात समझ में आई है या नहीं आई। सेकेंड वन बात आ जाती है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो ये एक दफा नहीं हमने यूज किया, हर प्रोग्राम में यूज किया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूं, मतलब कि अगर आपको यहां से भी दिखाऊं ना वो ऑपरेटर, तो ये इक्वल का साइन है। अगर असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन देखी जाए ना तो हम यही चीज कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू द वेरिएबल। अगर आप इसको देख भी लो, द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू स्ट्रिंग और कंप्यूटेशनल रिजल्ट इन द वेरिएबल। तो यही बात कहते हैं के असाइनमेंट ऑपरेटर हम उसको कहेंगे जिसकी मदद से आप वैल्यू किसी इंटीजर को, किसी कोई वैल्यू आप स्ट्रिंग वगैरह में क्या कर सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। इन बेसिक द सिंबल इक्वल रिप्रेजेंट द ऑपरेटर। तो यहाँ पे वही चीज आपको बता रहा है कि ये आपके पास जो इक्वल का सिंबल है वो आपके पास ऑपरेटर है, और ये कौन सा ऑपरेटर है आपके पास, असाइनमेंट ऑपरेटर है। बात समझ में आई या नहीं है। इसी असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को असाइन कर सकते हो अपने वेरिएबल्स को जी। ये है आपके पास इंटीजर की टाइप को डिफाइन कर देगा कि, यानी कि अब जो इस ए के वेरिएबल में जो वैल्यू सेव होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि कंप्लीट नंबर सेव होगा। इसी इंटीजर की टाइप में आप स्ट्रिंग को सेव नहीं कर सकते। स्ट्रिंग में अगर आपने जानी तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग लगा दी है ए स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए वेरिएबल है ना, अब इसमें आपके पास नंबर्स नहीं, इसमें आपके पास करेक्टर्स आएंगे। करेक्टर मतलब आप इक्वल लिखकर डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, आइकन कॉलिंग लिख दो, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। किसकी मदद से, डबल कोट्स की मदद से। ये डबल कोट्स किस लिए यूज होते हैं, आपके स्ट्रिंग टाइप के लिए यूज होते हैं। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी बड़े अच्छे डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ था, विदन आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये टाइप को डिफाइन करते हैं, टाइप डेक्लेरेशन है ये आपके पास। डॉलर के सिंबल से हमें ये पता चल गया कि ये जो आपके पास ए का वेरिएबल है अब वो किस टाइप का है, आपके पास स्ट्रिंग टाइप का है। अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज लगा दूँ तो वो आपको इंटीजर टाइप का होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ पीछे से तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। कमांड से पहले वाला टॉपिक है आपके पास, ये देखो ये वाली चीजें
ये जो आपके पास स्ट्रिंग है ये आपको स्ट्रिंग के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और ये परसेंटेज आपको टीचर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्सक्लेमेटरी जो आपके पास साइन है ये आपको सिंगल पीस साइज को शो करता है, जो हैश का ये डबल पीस साइज को शो करता है। तो ये पूरा टॉपिक बेटे आप इसको रिवाइज करो, देखो ठीक है ना, इसे आपको समझ आ जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं। तो आप समझ आ गए कि डॉलर का सिंबल किस लिए यूज हो रहा है? यस सर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की भी समझ जाएगा, कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट ऑपरेटर में तो बेटे पूछ सकते हो।